तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के सर्वकालिक महान ऐसे प्रधानमंत्रियों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से देश को नई दिशा प्रदान की है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है नरेंद्र मोदी का। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। ये वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री तथा वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के कार्यकाल को भारत में मंदिरों के उत्थान का दौर भी कहा जा सकता है। इनके कार्यकाल में भारत ने अंतरिक्ष में भी अतुलनीय प्रगति की है और इन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारे को आगे बढ़ाते हुए जय अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण उद्घोष किया। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई क्रांतिकारी फैसले लिए जो इनकी दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय की भावना को उजागर करती है। मोदी जी ने नोटबंदी कर भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर लगाम लगाने का सार्थक प्रयास किया। भारत में टैक्स सिस्टम की जटिलता को खत्म करने के लिए जीएसटी को लेकर आए। आजादी के 70 साल बाद भी भारत में 80% आबादी के पास बैंक खाते नहीं थे। मोदी जी ने जनधन योजना के तहत भारत के 70% से ज्यादा आबादी को बैंकों से सीधे तौर पर जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। रक्षा क्षेत्र में इनके कार्यकाल से पहले हमारा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक था, जो कि इनके दूसरे कार्यकाल के खत्म होते होते विश्व के टॉप 10 निर्यातकों में शामिल हो जाएगा। वर्ष 2014 में इन्होंने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, जिसने रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। मोदी जी के कार्यकाल के दौरान भारत ने मोबाइल और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इतनी बड़ी मोबाइल फोन यूजर्स की जनसंख्या होने के बावजूद भारत वर्ष 2014 के पहले सिर्फ मोबाइल फोन आयातक देश बनकर रह गया था। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के खत्म होते होते हम एप्पल से लेकर तमाम मोबाइल फोन के न सिर्फ निर्माता बल्कि निर्यातक राष्ट्र भी बन चुके होंगे। यही नहीं, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर की भी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना भारत में की जा रही है, जो भविष्य में हमारे विकास को नई गति प्रदान करेगा। मोदी सरकार के बड़े फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना तथा अयोध्या विवाद को समाप्त करना शामिल है। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक कानून लागू करना तथा विदेशी जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। इस दौरान भारत ने विश्व स्तर पर भी अपनी पकड़ को मजबूत किया और विश्व में अपने लिए एक नई स्थान बनाई। मोदी जी के आने से पहले भारत की गणना एक गरीब और विकासशील देश के तौर पर होती थी और हमारे देश की जनता 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था में ही लगी रहती थी। अतः जनसंख्या घनत्व के कारण देश की स्वच्छता परिवेश में दिन पर दिन गिरावट होती जा रही थी। ऐसी विकट स्थिति में इन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। देश को साफ और स्वच्छ रखने के लिए इन्होंने जन आंदोलन की अगुवाई करते हुए गांधी जी के सपने को पूरा करने का आह्वान किया। दोस्तों, यहां आपको यह भी बताते चलें कि नरेंद्र मोदी ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने आरएसएस जैसी मजबूत संगठनात्मक शक्ति को भी गांधी जी पर अपनी सोच और विचारधारा को बदलने पर मजबूर किया और पूरे देश में उन्हें निर्विवाद रूप से सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान कराया। इन्हें 10 से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों में सबसे अधिक है। इस कड़ी में अगला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक कश्मीरी पंडित तथा धनी बैरिस्टर थे।
इन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की, जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन शामिल है। दिसंबर 1929 को लाहौर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। वर्षों से गुलामी के साए में रहे भारत को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और करीब 500 रजवाड़ों को एक झंडे के नीचे लेकर आए। इन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई और जोसेफ बरोज टीटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। टॉप 3 प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में अगला नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का है। भारत के जनमानस पर राज करने वाले सर्वमान्य सर्वलोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का डांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है। सन 1952 में वे यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए। रेल मंत्री होने के नाते इन्होंने 1955 में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहली मशीन स्थापित की। 1961 में इन्हें गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने प्रसिद्ध शास्त्री फार्मूला डिजाइन किया था। अंततः 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। इन्होंने 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद आयुब खान के साथ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। शास्त्री जी ने आजीवन दहेज प्रथा तथा जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसा समय आया जब शास्त्री जी के आह्वान पर पूरे देश ने एक वक्त का भोजन त्याग दिया था तथा वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाठी चार्ज के बजाय भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी के जेट विमानों का इस्तेमाल किया। शास्त्री जी ने अपने कर्म प्रधान आदर्श जीवन से भारतीय जनमानस को प्रेरणा दिया कि अगर हमारा निश्चय पक्का है, संकल्प दृढ़ है, तो हम जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को भी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री सीरीज में आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।